यस पीपल गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे है? सब लोग होप्स आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे मैं बता दू मैं भी बहुत अच्छा हूँ सो so, आज हम रिवाइज करने वाले एक छोटू सा टॉपिक जिसका नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटलिंग का so, सो सबसे पहली चीज रेसिडेंशियल स्टेटस पता करना क्यों जरूरी है बिकॉज अगर कोई भी पर्सन इंडिया का रेजिडेंट होता है ना तो उसके लिए ग्लोबल इनकम मीन होल वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल होती है बट अगर कोई पर्सन है वो नॉन रेजिडेंट है तो उसके लिए ओनली इंडिया की इनकम है वो टैक्सेबल होती है तो रेसिडेंशियल ईयर पता करना पड़ेगा हर साल किसी भी पर्सन के लिए स्टेटस स्टेटस है वो आपको निकालना पड़ेगा तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑफ द इंडिविजुअल इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालेंगे वो नंबर ऑफ डेज पे डिपेंड करता है और सबसे पहले इसमें दो बेसिक कंडीशन है और दो बेसिक कंडीशन में से अगर आप एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड कर लेते हो मीन यहां पर यह पहली बेसिक कंडीशन

थ्री सिक्स है ना आउट ऑफ टू बेसिक रेजिडेंट अदरवाइज आप बन जाएंगे, resident, आप बन जाएंगे अगर आप नॉन रेजिडेंट बन जाते हैं तो गोस टू बायल तेल लेने गया आगे देखने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर आप रेजिडेंट बन जाते हैं तो आपको यह देखना पड़ेगा कि आप ऑर्डनरीली रेजिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डनरीली रेजिडेंट है और उसके लिए दो एडिशनल कंडीशन है एंड देर आर टू एडिशनल कंडीशन दो एडिशनल कंडीशन क्या बोलती है पहला एडिशनल कंडीशन दट इज द रेजिडेंट फॉर द टू प्रीवियस ईयर और मोर इन द लास्ट प्रीवियस ईयर मीन लास्ट टेन प्रीवियस ईयर में किसी भी टू प्रीवियस ईयर या उससे ज्यादा आप रेजिडेंट रहे हो एंड स्टे इन इंडिया फॉर सेवन थर्टी डेज और मोर इन लास्ट सेवन प्रीवियस ईयर स्टे इन इंडिया फॉर सेवन थर्टी डेज और मोर इन लास्ट सेवन प्रीवियस ईयर अगर ये दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है बिकॉज यूज हुआ एंड ये दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है अलोंग विद एटलीस्ट वन बेसिक कंडीशन तो आप बन जाएंगे रेजिडेंट एंड ऑर्डनरीली रेजिडेंट अदरवाइज आप बन जाएंगे रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डनरली रेजिडेंट तो देखो मैंने क्या बोला इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए आपके दो बेसिक कंडीशन है पहली बेसिक कंडीशन क्या है इन इंडिया फॉर वन डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर

बेटा तीन केसेस ऐसे हैं जिसमें आपको ये सेकेंड बेसिक कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है देर आर थ्री केसेस इन दो थ्री केसेस देर इज नो नीड टू चेक द सेकंड बेसिक कंडीशन आपको ये सेकेंड बेसिक कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है मीन्स अगर फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो रेजिडेंट अदरवाइज सीधा नॉन रेजिडेंट सेकेंड बेसिक कंडीशन पे आपको काटा लगाना है सेकेंड बेसिक कंडीशन आपको देखनी ही नहीं है कितने केसेस में थ्री केसेस में सबसे पहला केस कि अगर कोई भी इंडियन सिटीजन है इफ इंडियन सिटीजन लीव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एन एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया मीन कोई भी इंडियन सिटीजन है वो इंडियन सिटीजन क्या कर रहा है इंडिया छोड़ के इस साल जा रहा है इंडिया के बाहर किस लिए जा रहा है एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया का मतलब होता है या तो जॉब के लिए जा रहा है बिजनेस के लिए जा रहा है प्रोफेशन के लिए जा रहा है इंडिया छोड़ के जा रहा है तो उसके केस में क्या करना है आपको ये सेकंड बेसिक कंडीशन है ये देखने

सोर्स की इनकम को छोड़ के टोटल इनकम इज अपू फिफ्टीन लाख रुपीज अप टू फिफ्टीन लाख रुपए उनका टोटल इनकम है तो आपको यह सेकंड बेसिक कंडीशन देखना ही नहीं है तो देखो मैंने क्या बोला ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन आर टू बेसिक कंडीशन पहला इज इन इंडिया फॉर द दी टू और मोर इन प्रीवियस ईयर दूसरा बेसिक कंडीशन क्या है स्टे इन इंडिया फॉर द डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर एंड प्रीवियसाइव डेज और मोर इन लास्ट फोर प्रीवियस ईयर अब एक बात समझना यहां पर जो ये सेकंड बेसिक कंडीशन है ना ये आपको देखने की जरूरत नहीं है तीन केसेस में कौन कौन से केसेस में पहला इंडियन सिटीजन लीव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एन एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया इंडियन सिटीजन लीव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर तो resident, सीधा non लेकिन एक बात समझना। अगर इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन है वो इंडिया में आ रहे हैं विजिट के लिए लेकिन उनका है, वो 15 से है, तो क्या करना फ दट टोटल इनकम इज मोर देन फिफ्टीन लाख रुपीज तो उसमें क्या करना है कि आपको ये सेकंड बेसिक कंडीशन देखना पड़ेगा लेकिन सेकेंड बेसिक कंडीशन जहां पे आप देखोगे ना यहां पे ये सिक्सटी डेज की जगह आपका वन ट्वेंटी डेज सब्सटीट्यूट हो जाएगा स आपकी सेकेंड बेसिक कंडीशन होगी दैट इज स्टे इन इंडिया फॉर वन ट्वेंटी डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर एंड थ्री सिक्स डेज और मोर इन लास्ट फोर प्रीवियस ईयर ये आपकी सेकंड बेसिक कंडीशन हो जाएगी और अगर सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है और ये फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिसफाइड हो जाती है टोटल इनकम है वो फिफ्टीन लैक ,00 से ज्यादा है और वन ट्वेंटी डेज से ज्यादा इंडिया में स्टे करते हैं बट वन एटी टू डेज से कम है तो उस केस में वो पर्सन सीधा रेजिडेंट बन जाएगा लेकिन नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट आपको एडिशनल कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है आपको एडिशनल कंडीशन देखने की जरूरत नहीं वो पर्सन सीधा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डनरी रेजिडेंट बन जाएगा वापस बोल रहा समझने की कोशिश करना। अगर कोई इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन है वो क्या करते हैं इस साल इंडिया में आते हैं और उनका टोटल इनकम फॉरेन सोर्स के इनकम को छोड़ के उनका टोटल इनकम 15 लाख ,00 से कम है तो तो क्या करना है 15 लाख ,00 तक तो तो ये देखना ही नहीं है बट अगर 15 ,00 लाख से ज्यादा है है तो उस केस में क्या करना है? ये सेकंड बेसिक कंडीशन देखना है और यहां पे 60 डेज की जगह आपको 120 डेज है वो सब्सटीट्यूट करना है मींस करंट ईयर में 120 डेज और लास्ट के फोर प्रीवियस ईयर में 365 डेज और मोर अगर उसका स्टे है और ये फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है सेकेंड स्ट्रेप हो रही है तो उस केस में वो सीधा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डनरीली रेजिडेंट है वो

और उसका जो फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के उसका जो टोटल इनकम है टोटल इनकम मोर देन 15 लाख और वो किसी भी कंट्री का रेजिडेंट नहीं है अगर कोई इंडियन सिटीजन है और वो इंडियन सिटीजन है वो इंडिया का भी रेजिडेंट नहीं बना मतलब सिक्स वन के हिसाब से रेजिडेंट नहीं बना लेकिन इंडियन सिटीजन है उसका टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है और वो किसी और कंट्री का रेजिडेंट नहीं है किसी और कंट्री का रेजिडेंट नहीं है मीन किसी और कंट्री में वो लाइबल टू पे टैक्स नहीं है ड्यू टू हिज रेजिडेंसी और ड्यू टू हिज डोमिसाइल और ड्यू टू लाइक एनी क्राइटेरिया ऑफ द सिमिलर नेचर तो उस केस में उसको हम इंडिया का डीम टू भी रेजिडेंट मान लेंगे बट रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डनरीली रेजिडेंट मानेंगे तो देखो मैंने क्या बोला कि अगर कोई भी इंडियन सिटीजन है उसका टोटल इनकम कितना है फिफ्टीन लैस से ज्यादा है और वो किसी और कंट्री का रेजिडेंट नहीं है ही इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री मीनस किसी और कंट्री में वो टैक्स पे करने के लिए लाइबल नहीं है ड्यू टू हिज रेसिडेंसी और डोमिसाइल और एनी अदर सिमिलर लाइक नेचर इन दैट केस वो इंडिया का डीम टू भी रेजिडेंट मान लिया जाएगा बट वो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डनररीली रेजिडेंट बनेगा यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस अब एक और चीज समझना यहाँ पे कुछ दे हैं, वो आप तो आपको समझ में आ जाएगा अब एक और समझना, अगर कोई इंडियन सिटीजन है क्रू मेंबर है, है और वो जब इंडिया से बाहर जा रहा है, है। का मतलब होता है कि इंडिया से शिप बाहर जा रही है किसी फॉरिन कंट्री और फिर वो फॉरन कंट्री से वापस इंडिया में आएगी दैट इज कॉल्ड फॉरन शिप इसको लेके सीबीडी टी का सर्क्यूलर है सीबीडीटी बोलता है कि जिस दिन वो पर्सन शिप को ज्वाइन करता है तो जिस दिन वो शिप को ज्वाइन करता है ना उस दिन क्या करता है वो कंटिन्यू डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जो रहता है उसमें एक डेट एंटर करता है तो जो डेट उसने एंटर की

दिन लेके और जिस दिन वो साइन ऑफ करता है वो दोनों दिन और उसके बीच में जितना भी पीरियड रहेगा वो पीरियड उसका स्टे आउटसाइड इंडिया माना जाएगा बेटा वो स्टे आउटसाइड इंडिया माना जाएगा तो नंबर ऑफ डेज जब स्टे इन in इंडिया निकालोगे तो वो आपको स्टे आउटसाइड इंडिया मानना ध्यान रखना जिस दिन उसने डेट एंटर किया और जिस दिन उसने वापस से साइन ऑफ किया वो दोनों डेट और उसके बीच में जितना भी पीरियड है वो आपका स्टे आउटसाइड इंडिया माना जाएगा यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस अब एक और चीज समझना नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सर एच का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालेंगे तो एच का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं उसके कंट्रोल एंड मैनेजमेंट से कि भैया उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट कहां से हो रहा है अगर एच का जो भी अफेयर से बिजनेस वगैरह है उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर फुल्ली और पार्टली इन इंडिया है होली और पार्टली इन इंडिया है तो तो वो एच बन जाएगा रेजिडेंट अदरवाइज वो बन जाएगा नॉन रेजिडेंट अगर होली आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेजिडेंट और अगर होली और पार्टली इन इंडिया है तो वो रेजिडेंट अगर एच रेजिडेंट बन गया तो आपको चेक करना पड़ेगा कि वो एच रेजिडेंट एंड ऑर्डनरीली रेजिडेंट है

सर जो भी पार्टनरशिप फर्म है एओपी है और बीओआई है लोकल अथॉरिटी आर्टिफिशियल बीओ पर्सन है इनका रेसिडेंशियल स्टेटस भी पता चलेगा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट से अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फुल्ली और पार्टली इन इंडिया है तो रेजिडेंट अदरवाइज क्या बन जाएगा नॉन रेजिडेंट अब एक बात समझना यहां इन इन सब में, इन सब में में आपको वो आर एनओ एनओआर नहीं होता वो सिर्फ इंडिविजुअल एच में होता है इंडिविजुअल में आर एनओआर होता है बट बाकी फर्म एओपी लोकल अथॉरिटी आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन एज वेल एज कंपनी के केस में या तो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट होता है फिर रेजिडेंट के बाद वो आरएनओआर आरबर्ट एनआर है वो सिर्फ किस में आता है आपके इंडिविजुअल एनएचयूएफ में आता है अब एक बात समझते हैं सर कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे पता करेंगे तो कंपनी के रेजिडेंशियल स्टेटस पता करने के लिए हमेशा ध्यान रखना जो इंडियन कंपनी होती है ना वो ऑलवेज रेजिडेंट है इंडियन कंपनी जो होती है वो इंडियन कंपनी ऑलवेज रेजिडेंट होती है लेकिन फॉरेन कंपनी इंडिया में रेजिडेंट बन जाएगी अगर उसका पोएम इंडिया में है पोयम का मतलब होता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड कंट्रोल में ऐसी कौन सी प्लेस है जहां से आप डिसीजन लेते हैं ऐसी कौन सी प्लेस है जहां से बिजनेस के कोर डिसीजन लिए जाते हैं वो प्लेस आपका पोएम बन जाएगा और पोयम इंडिया में है तो फॉरन कंपनी इंडिया की रेजिडेंट बन जाएगी अदरवाइज नॉन रेजिडेंट बन जाएगी यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस अब चलते नेक्स्ट पार्ट पे दैट इज द स्कोप ऑफ टोटल इनकम अब एक बात समझना स्कोप ऑफ टोटल इनकम में हम ये सीखेंगे कि कौन सी इनकम किसके लिए टैक्सेबल होती है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दो तरह की इनकम होती है एक आपकी होती है इंडियन इनकम और एक आपकी होती है फॉरेन इनकम इंडियन इनकम किसको बोलते हैं ऐसी इनकम जो या तो इंडिया में अक्रूड हुई है या फिर रिसीव हुई है या तो कोई इनकम ऐसी है जो इंडिया में क्या हुई है अक्रूड हुई है अक्रूड और अराइज रा, और डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया या तो इंडिया में अक्रू हुई है या फिर इंडिया में रिसीव हुई है दोनों में से कुछ भी एक चीज होती है तो वो इंडियन इनकम बोलेंगे और बाकी जितनी भी इनकम है वो फॉरन फौरें इनकम फॉरन इनकम मीन अक्रू भी बाहर हुई है और अराइज भी बाहर हुई है रिसीव भी बाहर हुई है दैट इज कॉल्ड फॉरन इनकम तो इंडिया में मैं बताऊं अक्रूड और अराइज इन इंडिया या फिर रिसीव्ड इन इंडिया उसको इंडियन इनकम बोलेंगे और जो अक्रूड भी बाहर हुई है और रिसीव भी बाहर हुई है उसको अपन बोलेंगे फॉरेन इनकम अब एक चीज समझना सर यहां अक्रूड का मतलब क्या अक्रूड का मतलब होता है जनरेटेड इनकम हुई है तो अगर कोई भी इनकम जनरेटेड तो इन का मतलब like तो प्रॉपर्टी कहां पर लोकेटेड है बिजनेस केस में बिजनेस कहां पर लोकेटेड है कैपिटल गेन में वो कैपिटल असेट कहां पर है अगर अदर सोर्सेज की बात करूं बैंक अकाउंट की तो बैंक अकाउंट कहां पर लोकेटेड है तो जहां पर वो बैंक अकाउंट लोकेटेड है वहां पर हो रही है अक्रू हो रही है तो इनकम या तो इंडिया में अक्रू होती है या इंडिया में रिसीव होती है उसको हम इंडियन इनकम बोलेंगे और बाकी जो भी इनकम है उसको अपन फॉरेन इनकम बोलेंगे अब एक चीज समझना

कर रहे हो इंडिया में तो ये इंडिया में रिसीव नहीं माना जाएगा अब एक चीज समझना क्वेश्चन ही आता है कि सर कौन से पर्सन के लिए कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है तो हमेशा ध्यान रखना अगर कोई भी पर्सन है वो, वो रेजिडेंटेडरीली रेजिडेंट है ना उसके लिए पूरे वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल होती है तो देखेंगे आप यहां पे इंडियन इनकम भी टैक्सेबल है इंडियन इनकम भी टैक्सेबल है और फॉरेन इनकम भी पूरी टैक्सेबल है और फॉरेन इनकम दो तरह की हो सकती है एक तो फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया या फॉरेन प्रोफेशन वो सेटअप इन इंडिया फॉरन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया मतलब बिजनेस है वो में इनकम रिसीव्ड अक्रूड सब इंडिया के बाहर हो रही है बट वो कंट्रोल इंडिया से हो रहा है तो दैट टाइप ऑफ फॉरन इनकम और अदर फॉरन इनकम तो आप अगर आर एंड ओ आर के लिए देखेंगे ना तो देखो इसके लिए सब इनकम टैक्सेबल है इंडियन इनकम है वो पूरा टैक्सेबल है फॉरेन इनकम बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है वो भी टैक्सेबल है और अदर फॉरेन इनकम है वो भी टैक्सेबल है लेकिन समझना अगर कोई पर्सन आर बट एन आर होता है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है तो उसके लिए इंडियन इनकम टैक्सेबल होती है और फॉरेन इनकम सिर्फ वही वाली टैक्सेबल होती है जो बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है या फिर प्रोफेशन in so, वो सेटअप इन इंडिया है लेकिन वो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है तो उस में वो वाली इनकम है वो आर बट एनओ के लिए टैक्सेबल हो जाएगी और एनआर के लिए कौन सी टैक्सेबल होती है सिर्फ इंडियन इनकम है वही टैक्सेबल होती है बाकी कोई भी इनकम है वो टैक्सेबल नहीं होती है. तो आप कैसे देखेंगे आर एंड के लिए ऑल होल वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल होती है इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम भी टैक्सेबल होती है आर बट एन के लिए इंडियन इनकम टैक्सेबल होती है और फॉरेन सिर्फ बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है वो वाली टैक्सेबल होती है और बेटा एनआर के लिए सिर्फ इंडियन इनकम है वही टैक्सेबल होती है बाकी कोई टैक्सेबल नहीं होती अब एक चीज समझना आरबट एंड आर एनओर है ये तो सिर्फ इंडिविजुअल एच के लिए होता है व्हाट अबाउट द कंपनी पार्टनरशिप एओपी एपी है ना उनके लिए क्या होता है रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट तो अगर कोई भी पर्सन रेजिडेंट है तो उस केस में इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम दोनों टैक्सेबल होगी मीस ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होगी और अगर कोई नॉन रेजिडेंट है तो उसके लिए सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल होती है बाकी टैक्सेबल नहीं होगी तो मैंने क्या बोला कि अगर कोई पर्सन है वो रेजिडेंट है तो उसके लिए होल वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल होती है और नॉन रेजिडेंट के लिए सिर्फ इंडिया की इनकम टैक्सेबल हो जाती है अब एक और चीज समझना है यहाँ पे इनकम जो है वो आपकी कैश में हो सकती है काइंड में हो सकती है अब एक और

एक चीज़ होती है अक्रूड और एक होती है रिसिव और एक होती है डीम टू बी अक्रूड और एक होती है, तो सबसे पहली यह है कि ये का मतलब क्या होता है तो डीम टू रिसीव नहीं हुआ लेकिन ये मान लिया जाएगा, आपको इंडिया में रिसीव हो गया इसमें आपको आपको पता है ट्वेल्व तो परसेंट तक तो एग्जाम होता है आरपीएफ का आपकी सैलरी का तो ट्वेल्व परसेंट से जितना भी ऊपर वाला अमाउंट है ना वो आपको मिला नहीं है और आपके लिए टेक्सीबल होगा एज वेल एज द जो आपके आरपीएफ होता है आरपीएफ पे जो इंटरेस्ट आता है वो इंटरेस्ट नाइन पॉइंट फाइव परसेंट तक एक्जाम उसके ऊपर वाला आपको मिलता नहीं है बट ये मान लिया जाएगा आपको मिल गया है और आपके लिए वो टैक्सेबल हो जाएगा इज डीम टू बी रिसीव अब एक और चीज समझना जो भी आपका एम्प्लॉयर है वो एनपीएस में कॉन्ट्रीब्यूशन करता है नेशनल पेंशन स्कीम में या न्यू पेंशन स्कीम में कॉन्ट्रीब्यूट में ग्रीब्यूट करता है तो उसमें जो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आपको मिलेगा नहीं पैसा बट ये माना जाएगा डीम टू बी बाय द और एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा और अगर आपका यूआरपीएफ का कोई बैलेंस था वो आपने आरपीएफ में ट्रांसफर करा दिया जो यूआरपीएफ का बैलेंस था वो अगर आपने आरपीएफ

या फिर क्या करता है नॉन रेजिडेंट के कहे अनुसार इंडिया में क्या करता है स्टॉक मेंटेन करता है और नॉन रेजिडेंट जैसे बोलता है उसके हिसाब से वो डिलीवरी करता है या नॉन रेजिडेंट के लिए वो क्या करता है होली और फुल्ली नॉन रेजिडेंट के लिए इंडिया में क्या करता है ऑर्डर सिक्योर करता है तो उस केस में उस नॉन रेजिडेंट का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा और बिजनेस कनेक्शन से जो भी इनकम होगी वो इंडिया में डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी और वो नॉन रेजिडेंट के लिए इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी आई कैन टेक वन एग्जाम्पल जैसे ये लोबो है इसने क्या किया इंडिया में एक पर्सन को अपॉइंट किया जिसका नाम है मिस्टर राजेश जिसका नाम है मिस्टर राजेश एक इंडिया में पर्सन अपॉइंट किया अब एक बात समझना जो इंडिया का पर्सन है राजेश वो राजेश क्या करता है या तो उस नॉन रेजिडेंट लोगों के लिए इंडिया में हैबिचुअली कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करता है प्रिंसिपल रोल प्ले करता है कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करने के लिए या फिर वो नॉन रेजिडेंट के लिए क्या करता है इंडिया में स्टॉक मेंटेन करता है और उसमें से स्टॉक की डिलीवरी करता है या फिर वो नॉन रेजिडेंट के लिए क्या करता है होली और फुल्ली उस नॉन रेजिडेंट के लिए इंडिया में ऑर्डर सिक्योर करता है और ऑर्डर लेके उसको देता है तो उसका फॉरिनर का इंडिया में क्या बन जाएगा बिजनेस कनेक्शन बन जाएगा और उसको इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा उसकी इनकम जो है वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी लेकिन एक बात समझना बहुत बार क्या होता है कि वो जो पर्सन है मान लो राजेश है वो राजेश क्या करता है लोबो के लिए जो है वो ऑर्डर सिक्योर करता है होली उसके लिए लेकिन कभी कभी क्या करता है वो एक दूसरा बंदा और है होबो होबो के लिए भी ऑर्डर सिक्योर कर लेता है तो एक बात बताओ यहां लोबो का तो बिजनेस कनेक्शन बन जाएगा क्योंकि राजेश है वो होली लोबो के लिए ऑर्डर सिक्योर करता है लेकिन कभी कभी वो होबो के लिए भी कर देता है तो क्वेश्चन ही आता है क्या होबो का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन बनेगा या नहीं बनेगा तो यहां पे लॉ मेकर्स बोलते हैं कि नॉर्मली होबो का बिजनेस कनेक्शन नहीं बनेगा क्योंकि यहां पर जो राजेश है ना वो होली और फुल्ली ऑर्डर जो है वो सिक्योर कर रहा है लोगो के लिए कभी कभी है वो होबो के लिए कर रहा है तो होबो का बिजनेस कनेक्शन नहीं बनेगा लेकिन एक चीज समझना अगर जो ये होबो है होबो जो है वो लोगो को कंट्रोल करता है या फिर लोबो है वो होबो को कंट्रोल करता है या फिर कोई थर्ड पार्टी है जो लोबो और होबो दोनों को कंट्रोल करते हैं तो उस केस में बेटा जो होबो है उसका भी इंडिया में डीम टू बी बिजनेस कनेक्शन बन जाएगा तो देखो यहां पे दे रखा है कि जैसे एक बंदा है मिस्टर ए दट इज एक्टिंग ऑन एक्स बिहा जो है वो एक्स के बिहाफ पे काम कर रहा है इंडिया में ऑर्डर सिक्योर कर रहा है अब एक बात बताओ मिस्टर एक्स है उसके लिए वो ऑर्डर सिक्योर कर रहा है तो मैं बताऊं एक्स का तो सीधा बिजनेस कनेक्शन बन गया लेकिन ये के लिए भी कभी कभी ऑर्डर सिक्योर कर लेता है वाई के लिए कभी ऑर्डर -कभी सिक्योर करता है तो वाई का क्या इंडिया में बिजनेस कनेक्शन होगा आंसर इज नो लेकिन तीन केसेस में हो जाएगा कब कब या तो एक्स जो है वो वाई को कंट्रोल करता है या फिर वाई है वो एक्स को कंट्रोल करता है या फिर एक्स और वाई दोनों को मिलकर कोई जेड है वो कॉमन पर्सन है वो कंट्रोल करता है तो ऐसा बिजनेस कनेक्शन बन जाएगा और इनकम डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी अब एक और चीज समझना यहां पे बिजनेस कनेक्शन में इन्होंने एक और चीज डाली कि एसआईपी एसआईपी का मतलब एसईपी एसपी का मतलब होता है कि दैट इज द सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है उसका इंडिया में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है तो वो भी बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा और उससे जो इनकम होगी वो भी इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी अब ये सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस क्या होता है तो इसके लिए इन्होंने बोला कि अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट है और वो नॉन रेजिडेंट क्या करता है इंडिया में कोई ट्रांजेक्शन करता है गुड्स का या सर्विस का या प्रॉपर्टी का कैरिड आउट बाय द नॉन रेजिडेंट विद एनी पर्सन इन इंडिया इंक्लूडिंग द प्रोविजन ऑफ द डाउनलोड ऑफ डेटा और सॉफ्टवेयर इन इंडिया और पूरे साल का जो इंडिया से जो उसको पैसा मिलता है ट्रांजेक्शन वैल्यू टू करोड़ रुपए से ज्यादा है तो उसका इंडिया में बिजनेस कनेक्शन बन जाएगा आई कैन टेक एग्जाम्पल अब बहुत बार क्या होता है आपको पता है अपन बहुत बार फॉरन की कंपनियों से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं एंटीवायरस डाउनलोड करते हैं और उसको पैसा देते हैं करके ठीक है तो आप अगर सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड कर रहे हो और उसके लिए उसको जो पैसा मिल रहा है पूरे साल में टू करोड़ से ज्यादा मिल रहा है तो उसका इंडिया में डीम टू बी बिजनेस कनेक्शन बन जाएगा और इंडिया में

पॉइंट ऐसे है जिसमें आपका बिजनेस कनेक्शन नहीं बनेगा सबसे पहला अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट वो क्या करता है इंडिया में गुड्स को परचेज करता है और इंडिया में गुड्स को करके और एक्सपोर्ट कर देता है जैसे एन की किसी कंपनी ने क्या किया मुंबई में एक ऑफिस खोला और वो मुंबई का ऑफिस क्या करता है इंडिया से गुड्स को परचेज करता है और फिर वो एक्सपोर्ट कर लेता है तो यहां पर बिजनेस कनेक्शन नहीं बनेगा दूसरी चीज अगर मान लो कोई फॉरेन का न्यूज चैनल वगैरह है वो इंडिया से क्या करते हैं न्यूज को कलेक्ट करते हैं और न्यूज को कलेक्ट करते हैं और इंडिया के बाहर किसी न्यूज चैनल पर वगैरह ट्रांसमिट कर देते हैं तो उस केस में बिजनेस

नहीं होगी अब एक और चीज समझना अगर कोई भी इंडिया में प्रॉपर्टी है या कोई भी सोर्स है वो इंडिया में है और उससे जो इनकम होती है ना वो डीम टू भी अक्रूड और इंडिया मानी जाती है अब यहां पर एक और चीज समझना आप कि अगर कोई इंडिया में कैपिटल सिचुएटेड है और वो कैपिटल आप ट्रांसफर कर देते हो तो उससे जो भी कैपिटल गेन होगा वो इंडिया में डीम टू बी अक्रूड और इन इंडिया इंडिया माना जाएगा अब एक और और चीज समझना अगर किसी ने सर्विस में रेंडर की थी रिटायरमेंट के बाद भी अगर कुछ पैसा मिलता है ना तो वो डीम टू बी अक्रूड और इन इंडिया माना जाएगा जैसे कोई पर्सन है उसने सर्विस इंडिया में दी थी और अभी वो नेपाल में जाकर शिफ्ट हो गया और वहां पर पे उसको पेंशन मिल रही है तो पेंशन मिल रही है वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी और इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी अब एक और चीज समझना अगर अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से किसी भी एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है ना वो डीम

मुझे पैसा दिया और मैं उनको जो इंटरेस्ट दे रहा हूं ना वो इंटरेस्ट भी ओबामा के लिए डीम टू बी अक्रूड और इन इंडिया माना जाएगा और उसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा लेकिन एक चीज समझना मैंने जो पैसा लिया किससे ओबामा से वो वाला पैसा मैंने इंडिया के बाहर के किसी बिजनेस या प्रोफेशन में लगा दिया तो उस केस में ये इंटरेस्ट जो मिलेगा ओबामा को वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा तो मैंने क्या बोला समझने की कोशिश करना एक नॉन रेजिडेंट है ओबामा उसने क्या किया गवर्नमेंट को लोन दिया गवर्नमेंट से इंटरेस्ट मिलता है वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा दूसरा अगर उसने लोन दिया वो किसी रेजिडेंट पर्सन को दिया जैसे बीबी सर को दिया और वो रेजिडेंट पर्सन को लोन दिया उससे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी डीम टू बी अक्रूड और इन इंडिया माना जाएगा लेकिन अगर बीबी सर ने उस पैसे को इंडिया के बाहर के किसी बिजनेस या प्रोफेशन में इन्वेस्ट कर दिया तो वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा इस पैसे को अगर मैंने इंडिया के बाहर के किसी बिजनेस या प्रोफेशन में इन्वेस्ट कर दिया यूज कर लिया तो उस केस में डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा अब एक और चीज समझना ओबामा नॉन रेजिडेंट है उसने क्या किया लोन दिया पुतिन को और पुतिन भी नॉन रेजिडेंट है तो एक नॉन रेजिडेंट ने किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट को लोन दिया और ये इसको इंटरेस्ट दे रहा है तो क्या ये इंटरेस्ट इंडिया में टैक्सेबल होगा लगाया तो उस केस में जो इंटरेस्ट है वो ओबामा को जो मिलेगा ना वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा तो आप कैसे याद रखेंगे समझने की कोशिश करना सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट की तो समझने की कोशिश करना अगर एक ओबामा एक नॉन रेजिडेंट है उसने क्या किया लोन किसको दिया गवर्नमेंट को दिया गवर्नमेंट से इंटरेस्ट मिलता है डीम टू बी अक्रूड और इन इंडिया अगर अगर किसी रेजिडेंट रेजिडेंट पर्सन पर्सन को दिया इंटरेस्ट मिलता है in India, है डीम टू बी अक्रूड और इन इंडिया इंडिया बट एक्सेप्शन क्या कि उस ने के बाहर के जैसे मैंने मान लो श्रीलंका के बिजनेस या प्रोफेशन में इन्वेस्ट किया तो वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा अगर किसी नॉन रेजिडेंट ने किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट को लोन दिया और दूसरे नॉन रेजिडेंट ने जो पैसा है वो इंडिया के किसी बिजनेस या प्रोफेशन में यूज किया है तो उससे जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा यू गॉट गॉटमे पॉइंट और नॉट यस अब एक चीज समझना ऐसा ही एक एग्जांपल है रॉयल्टी को लेके रॉयल्टी के केस में क्या होता है समझते की कोशिश करना एक एग्जांपल लेते हैं जिसका नाम है बंदे का नाम ओबामा करके ठीक है और ये ओबामा है ये नॉन रेजिडेंट है अब इसने क्या किया पता है कुछ सर्विस दी सर्विस में जैसे पेटेंट कॉपीराइट, ट्रेडमार्क नो हाउ वगैरह दिया या कोई ऐसे इंटेंजिबल्स दी करके कुछ ऐसे ड्राइंग वगैरह दी और उसके लिए जो पैसा मिलता है या टेक्निकल सर्विस दी उसके लिए जो पैसा मिलता है उसको बोलते हैं रॉयल्टी एफटीएस, एफटीएस का मतलब फीस फॉर टेक्निकल सर्विस अब एक चीज समझता ये जो ओबामा है इसने क्या किया अपनी गवर्नमेंट को अगर यह सर्विस दी

देखो इंटरेस्ट में क्या था इंडिया के बाहर के किसी बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज किया सिर्फ इतना ही लिखा था बट यहां पे क्या है कि अगर मान लो मैंने जो सर्विस ली वो सर्विस इंडिया के बाहर के किसी बिजनेस या प्रोफेशन में यूज किया या इंडिया के बाहर किसी इनकम का सोर्स कोई सोर्स ऑफ इनकम कमाने के लिए मैंने उसको यूज किया तो वो रॉयल्टी एफटीएस है इस ओबामा के लिए डीम टू बी अक्रूड और इन इंडिया नहीं मानी जाएगी तो पहले तो मैंने क्या बोला कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है उसको रॉयल्टी एफ गवर्नमेंट से मिलता है डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा किसी रेजिडेंट पर्सन से मिलता है डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा लेकिन एक चीज समझना अगर इस रेजिडेंट पर्सन ने उस रॉयल उस सर्विस को इंडिया के बाहर के किसी बिजनेस या प्रोफेशन में या किसी सोर्स का इनकम कमाने के लिए यूज किया है, तो उस केस में ये डीम टू बी अक्रूड और इन इंडिया नहीं माना जाएगा अब एक और चीज समझना ओबामा ने क्या किया ये जो सर्विस दी है ये सर्विस मान लो पुतिन को दी है और पुतिन एक नॉन रेजिडेंट है तो ओबामा ने ये सर्विस पुतिन को दी है और वो पुतिन ने क्या किया पता है उस सर्विस को अगर किसी इंडिया इंडिया के बिजनेस या या प्रोफेशन में लगाया या इंडिया में लगाया किसी सोर्स का इनकम कमाने के लिए लगाया इंडिया में किसी सोर्स का इनकम कमाने के लिए लगाया तो उस केस में क्या होगा इस नॉन रेजिडेंट के लिए जो भी रॉयल्टी एफ मिलेगा वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस तो देखो बेटा अगर कोई नॉन रेजिडेंट है वो क्या करता है सर्विस देता है सर्विस का मतलब आप यहाँ पर यह समझिए कि अगर मान लो कोई भी रॉयल्टी, रॉयल्टी किसके लिए मिलती है नो हाउ पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क फ्रेंचाइज डिजाइन फॉर्मूला अगर कोई मूवी वगैरह एग्जीबिशन के लिए दिया सॉफ्टवेयर सेल किया प्लांट एंड मशीनरी दिया करके ठीक है दैट इज ऑल मिलता है वो रॉयल्टी एफ में आता है ठीक है अब एक बात समझना रॉयल्टी एफटीएस में हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट को रॉयल्टी एफ मिलता है वो किससे मिलता है गवर्नमेंट से मिलता है डीम टू बी भी अराइज इन इंडिया इंडिया में टैक्सेबल रेजिडेंट से मिलता है डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया इंडिया बट रेजिडेंट ने के के बाहर किसी बिजनेस या प्रोफेशन में या इंडिया के बाहर किसी सोर्स का इनकम कमाने के लिए लगाया तो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा अगर किसी नॉन रेजिडेंट को दूसरे नॉन रेजिडेंट से मिलता है तो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया तभी माना जाएगा जब वो दूसरे नॉन रेजिडेंट ने इंडिया के किसी बिजनेस या प्रोफेशन में उसको लगाया इंडिया में किसी सोर्स का इनकम कमाने के लिए उस सर्विस को लगाया तो वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा तो ये रॉयल्टी एफ्टी उसको यहां से देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा अब एक और चीज समझना अगर कोई भी रेजिडेंट पर्सन है इंडिया का रेजिडेंट पर्सन उसने क्या किया इंडिया के बाहर किसी नॉन रेजिडेंट बाहर जाके किसी नॉन रेजिडेंट को मनी गिफ्ट किया इंडिया के बाहर जाके नॉन रेजिडेंट को मनी गिफ्ट किया नॉन रेजिडेंट बोलता है कि मेरे को पैसा मिला भी बाहर है है ठीक और ये रिसीव भी भी बाहर बाहर हुआ हुआ अक्रूड फिफ्टी सिक्स टूटेंट में टैक्सेबल नहीं होगा यहां पर दो साल पहले क्लियरिफिकेशन डाला कि अगर कोई रेजिडेंट पर्सन ने किसी नॉन रेजिडेंट को इवन इंडिया के बाहर गिफ्ट किया है और भैया बाहर जो मनी गिफ्ट किया है वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा और भैया नॉन रेजिडेंट के लिए

बिकॉज किसी ने बोला है मन के हारे हारे मन के जीते जीत करके ठीक है तो आप अगर मन से हार जाओगे ना तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे कुछ नहीं उखाड़ पाओगे उखाड़ना है ना सच में तो आपको मन से जीतना पड़ेगा पहले पहले अपने आप अप से जीतना पड़ेगा अपने आप को ये फील कराना पड़ेगा नहीं यू कैन डू इट और आप ये कर सकते हो वैसा आपको और मैं बताऊं देखो मेरे जैसा बंदा अगर सीए बन सकता है ना तो आप तो बन ही सकते हैं आई स्कोर 56 सिक्स परसेंट इन देंथ स्टैंडर्ड आप में से किसी का टेंथ स्टैंडर्ड में 56 से कम तो नहीं रहा होगा ठीक है स्टैंडर्ड में मेरे को फर्स्ट डिवीजन आया ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में फर्स्ट डिवीजन आया इलेवंथ स्टैंडर्ड में व्हेन आई स्कोर द फर्स्ट डिवीजन दैट वाज फर्स्ट टाइम फर्स्ट डिवीजन इन माय लाइफ तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है सो so, मैं ये बोल रहा हूँ आपसे यही कहना चाहूंगा कि लाइक जस्ट फोकस टू योर स्टडी एंड जस्ट क्रैक इट ओके थैंक्स अलऑट पीपल मिलते हैं अगले लेक्चर में